इसकी बीवी खुद बुलाती है मेरे को। झूठ मत बोल। वो तो खुद ही इसके साथ राजी आने को। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति है, ठीक है, दिमागी संतुलन सही नहीं है, क्या समझाऊं मैं उस पागल को। ये देखो उसने मेरे यहाँ पे कल लात मारी है। तो क्या करूँ मैं, लगी हुई है। तो ये क्या कर रही है तू इसके साथ? ये डॉक्टर नहीं है, ये वही लड़का है जो रात में आता है। हाथ मत लगाओ उसे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे कि मैं उससे प्यार करती हूँ? नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही तुम्हारे? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई गोल्ड यादव। आज एक ऐसे इंसान से मेरा पाला पड़ गया ना भाई, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, वो बंदे इतना पर ओए इधर आ जाओ, ओए इधर आ जाओ, इधर 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 क्या बात हो गई है? ओए इस पागल इंसान को यार है, ओए क्या बात हो गई, ओए क्या कर रहा है, ओए ओए क्या बात हुई है, बात बता क्या बात हुई है। अरे ये मेरी बीबी के साथ रात को पकड़ा मैंने। क्या बात है भाई, क्या बात है? इसने इतनी जोर की आँख में मारा, मेरी आँख फोड़ दी इसने, तेरे को मैं छोड़ूंगी। अरे ओ भाई ओ, कर क्या रहे हो, पहले पूरी बात तो बता, बात क्या हुई है? ओए ओए भाग मत, यहाँ खड़े हो जा, यहाँ खड़े हो जा। भाई साहब सुनो, बात क्या हुई है, बात बताओ, पहले बात बताओ। ये मेरी बीवी के साथ रात को मैंने पकड़ा इसको। क्या करने गया था भाई? इसकी बीवी खुद बुलाती है मेरे को। झूठ मत बोल। एक बात बताए, नहीं ये पागल है। पागल किसको बोला है? ओए ओए छोड़ दे, छोड़ दिमाग चल रखा है इसका, दिमाग चल रखा है इसका। इसको पागल क्यों बोल रहा है तू? पागल क्यों बोल रहा है इसको? देखा नहीं, रात से कंधे में बैठे हुआ है, हिल रहा कंधे से, और आंख में इतनी तेज मार रखा है इसने। तो ये भग जाएगा फिर? नहीं भगेगा, आप टेंशन ना लो, ये कहीं नहीं भगेगा। भाई एक बात बता दे, जब इसकी बीवी है तो इसकी बीवी के पास रात में तू क्यों जाता है? भाई मैं नहीं जाता, खुद बुलाती है मेरे को। झूठ बोल रहा है ये, पति पागल है, उससे कुछ नहीं होता। झूठ बोल रहा है। तेरे सामने देख ले, कंधे बैठ रखा था, बाल बाल सब पाट दिया, आंख पे देख दी, जोर की मार रखा इसने। तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई मैं नहीं कर रहा, जो कर रही है इसकी बीवी कर रही है, बुला रही है मेरे को, मैं नहीं जा रहा। बीवी बुलाती है इसकी? हाँ, इसकी बीवी बुलाती है। अच्छा, अगर बीवी बुलाती है ना, तो आज तू फोन करके इसको यहाँ पे बुला, इसकी बीवी को, ठीक है? बुला दूंगा मैं तो। अगर इसकी बीवी गलत निकली ठीक है, तो फिर ठीक है, अगर तू गलत निकला बेटा तो तुझे जो होगा तेरे साथ तू खुद देख लियो। मैं कॉल करके अभी बुला देता हूँ ना, पता चल जाएगा। कॉल करके बुला, फोन लगा, एक बार फोन लगा मेरे आंखों के सामने। हेलो, कहाँ है? घर पे। और कहाँ हो? एक बार पार्क में आ जाएगा, मिलना मुझे तेरे से। अरे मुझे पता है ड्रामा हुआ, जो भी कुछ हुआ, तू एक बार आ जा पार्क में, मुझे बात करनी है। कोई बात नहीं करनी है, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं। तू रुक जा, नहीं तू हमेशा मेरे को बुलाती, मैं आता हूँ ना, अब तू चुपचाप से आ जा इधर पे, समझ गई? जल्दी आ, मेरे को बात करनी है आज। अच्छा, बात मैं ज्यादा देर के लिए आ सकती, मैं बस थोड़ी देर के लिए आ रही। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी बात करना, बात खत्म करो। ठीक है, आ जा जल्दी। भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। वो तो तेरी बीवी इसके साथ चक्कर चल रहा है उसका तो, है वो तो खुद ही इसके साथ राजी आने को। आ रही है भाई, वो अभी लोकेशन भेज दी है मैंने उसे। जब तुझे पता था कि इसकी बीवी है तो क्यों लाइन मार रहा था तू? भाई मैं नहीं मार रहा, खुद बुलाती है मेरे को, मैं नहीं जाता। तो क्यों जाता है फिर? खुद बुलाती है मेरे को कि आ जा, आ जा। तुझे पता है सब बात तो क्यों जाता है तू? इसके बारे में तो सोच लेता भाई। अब कहना मैं एक बार दो बार चीजें हुई है, वो ब्लैकमेल करने लग रही है, अगर नहीं जाता हूँ तो जबरदस्ती जाना पड़ता है मेरे को। अच्छा ठीक है, एक बार ना जो भी हरकतें तू करता है ना यहाँ पे दिखा, अभी पता चल जाए सही तू है कि गलत कौन है। ठीक है, अरे आ गए तुम, और बताओ तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना कल रात को कितना ड्रामा हुआ है? क्या ड्रामा हुआ तुम्हें नहीं पता? क्या ड्रामा हुआ? ड्रामा तो तुम्हें दिख रहा है ना, उसको सब कुछ पता चल गया है। चल गया है तो दो तीन दिन रुक जाओ ना, फिर मिल सकती हूँ। मुझे बात करनी है तेरे से। ठीक है, क्या बात करनी है? बात करनी है, बात करनी है। क्या नाम है? दिमाग खराब कर रहा कल से, समझ गई तू? क्या दिमाग खराब कर रखा है ये बताओ? मेरी आंख में कितना गंदा मार रखा उसने। तो किसी की बीवी के साथ कोई कुछ ऐसे करेगा तो करेगा ही ना। तो फिर तू ही तो बुला देती थी ना, तू ही तो बुला देती। तो अब तो मना कर रही हूँ ना कि मत मिलो मत मिलो, जब उसे पता चल गया तो। बात करनी है इसलिए मेरे को मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति है, ठीक है। तेरे को पहले नहीं दिख रहा था ये सब करने? नहीं दिख रहा था, जब पता चला। बोल रही हूँ ना, थोड़ा रुक जाओ, तुम क्यों इतना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो? मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहा, ठीक है। क्या सीन है यार, क्या ना तू अपने पति को समझा दे या तो, ठीक है? क्या करूँ मैं उसका, तुम्हें पता है ना वो दिमाग से सही नहीं है, उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, क्या समझाऊं मैं उस पागल को?
पागल है, जब ही तो नहीं पसंद आता ना मुझे, अच्छा होता तो फिर तुम्हें क्यों पसंद करती मैं, उसे ही नहीं पसंद करती। देख वो खामा का कुछ छीन बीन कर देगा ठीक है, वो कह रहा कि तू आता मेरी बीवी के पास, तू गलत करता, तू छोड़ता, तू ये करता है। उसने कल देखा ना तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि एक बात बता, नहीं मैं तेरे पास खुद आया था चल के, समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और किस वजह से प्यार करती हूँ तुम ये भी जानते हो। किस वजह से करते हो? कि उससे मुझे कोई सुख नहीं मिलता, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि उसके नाम पे कितनी सारी प्रॉपर्टी है, कितनी सारी जायदाद है। अगर मैं उसको इतना इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी, ड्रामा दिखाऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, सारी जायदाद किसके पास जाएगी? फिर उसे भगा ना, उसे क्यों रख रखा है फिर? अरे रुक जाओ ना, थोड़े दिन करा ले साइन वैन। अरे थोड़े दिन कंट्रोल तो करो, देखने दो। कंट्रोल करूं यार? वो जब मेरे प्यार में पागल होगा। सीन कर रखा उसने? कोई सीन नहीं कर रखा, तुम्हें पता है मेरा रिलेशन उसका सिर्फ नाम का है, जो कुछ भी है तुम्हारे साथ है, तुम्हें पता है ना। फिर तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम ये तो सोचो कि उसके पास पता है यार, सब सब में जा जा के मेरा नाम ले रहा है कि तू गलत कर रहा है, मेरी बीवी के साथ रात रात भर रहता है, सोता है, ये करता है। उसकी बात पे कौन मतलब कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। तुम ये तो सोचो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है जब हमारे नाम पे हो जाएगी तो सोचो कि हम कितने पैसों के मालिक हो जाएंगे यार। और तो फिर करा ना नाम वाम करा उसके। अरे रुको तो सही, इसीलिए तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको, पागल को थोड़ा बेवकूफ बनाने दो, थोड़ा सा इमोशनल बेवकूफ बनाने दो ना, तो करेगा अपने आप करेगा ठीक है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? पाओ चलो बताओ, अभी पकड़ो। यार तेरे को पता है ना उसने कितना गंदा मारा यार, मेरी आँख पर देख रही है तुम, मेरी आँख सूज रखी है कल से। अरे तो तुम बस मार खा रहे हो क्या? ये देखो, ये देखो उसने मेरे यहाँ पे कल लात मारी है और इतनी जोर तो से मारी है ना कि मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। तेरे को नहीं रहना तो उसके साथ तो मैं क्या करूँ? मैं भी तो इसलिए हैंडल कर रही हूँ ना ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है सारी हमारे नाम पे हो जाए। वो पागल बेवकूफ किस कौन बात कर विश्वास करेगा अगर कुछ बोलेगा अभी कि मेरी बीवी ने ऐसा किया। बदनाम तो कर ही रहा है ना सब जगह, बदनाम नहीं कर रहा तो तुम्हें लग रहा है पागल का पागल की बातों पर कोई विश्वास करेगा? एक ना एक दिन तो मानेंगे ना। अरे नहीं मानेंगे, तुम क्यों गांव में जाकर घूमता है? वो यार गांव में घूम रहा है, पागल है तो गांव में ही घूमेगा ना। कल से मेरे सर पे बैठ रखा वो, पता है तुम्हें? मतलब तुम क्या कह रहे हो सर पे बैठ रखा है? तब से जब से मैं आई हूँ तब से बोल रहे हो, मेरी समझ में तो आ नहीं रहा कहाँ सर पे बैठ रखा है। तुम्हें अपनी चोट की दिखाई देती है बस, ये देखो दिखने तुम्हें इतना लगी हुई है। क्या लगी हुई है तुम्हें? मुझसे जोर की नहीं लगी होगी तुम्हें? मेरे भी तो मारा है उसने, नहीं दिख रही। क्या करूँ? तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए उससे? नहीं नहीं पैसे चाहिए तो बता दो फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर ऐसे ही गरीबी में भुखमरी में मरो ठीक है। मैं सोच रही हूँ, स्कीम सोच रही हूँ कि उस पागल से क्यों शादी करी है मैंने। फिर कर लेना शादी वादी, देख बात सुन मेरी ठीक है, उस पागल को तेरे साथ रहना नहीं रहना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, लेकिन उसे एक चीज़ उसके दिमाग में घुसा दे ठीक है। मेरे को गलत सोच रहा है और अपने घर वालों को बता रहा है कि वो लड़का आता है रात बाद इधर रुकता है और मेरे को बाहर भगा देता है। वो समझदार इंसान है जो उसकी बातों पे सब यकीन तो करेंगे। अपनी आँख उसकी आँख तो है ना। हाँ तो आँख होने के बाद भी सब सोचेंगे पागल है, कुछ भी उलझल उल बोल रहा है। क्यों नहीं मानते हो तुम? ऐसे ही रहोगे क्या गरीबी में? मैं जैसे तैसे मैं तुमसे शादी कर लूँ, उसको छोड़ दूँ। शादी करोगी क्या? शादी करेगी, गरीबी में रह लोगे सारा टाइम? शादी करेगी, शादी करेगी। अब तो गुस्सा दिला रही है, मैं जा रही हूँ ठीक है। कहाँ जा रहे हो? वो पागल है घर में ठीक है तो पागल मैं क्या करूँ? साफ सीधी बात मैं तेरे को एक चीज बता दूँ, मुझे नहीं रहना, जो भी हमारा रिश्ता मैं कर रहा हूँ खत्म। क्या? ठीक है खत्म कर रहा हूँ, जो भी चीजें हैं हमारे बीच में जो भी हुआ कुछ भी हुआ मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूँ ठीक है। तुम पागल हो गए क्या? तुम बोल क्या रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तेरे साथ रह मत रह, उसकी प्रॉपर्टी नाम कर कुछ कर, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तुम बोल क्या रहे हो? मैं जा रहा हूँ भाई। अरे तुम जा कह रहे हो? सुनो तो, तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हूँ, उस पागल के साथ रहना चाहती हूँ? तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं समझ में क्यों नहीं आता? और ये जो भी कुछ कर रही हूँ हमारे लिए कर रही हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। मुझे नहीं रहना, जोर के मार रखा उसने। अरे तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो ना। मुझे नहीं करना बर्दाश्त, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तुम समझो ना मेरी बात। नहीं रहना भाई, नहीं रहना तेरे साथ। मैं क्या करूं? नहीं है तुम्हें तो क्या करूं मैं, लगी हुई है तो। ये क्या कर रही है तू इसके साथ? अरे बाबू ये ना ये डॉक्टर 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 नहीं है ये, वही लड़का ये जो रात में आता है ना, वही है नहीं? अरे नहीं तुमने दवाई दवाई नहीं दवाई नहीं ली ना इनने सुबेरे, इसीलिए दवाई नहीं ली ना तुमने सुबेरे, इसलिए नहीं। मुझे मैंने देखा तुम क्या कर रहे थे अभी, देख लिया क्या कर रहे थे।
हाथ नीचे करो, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, देखो तुमने दवाई नहीं ली ना सुबह, इसलिए मैं इनसे ना दवाई के बारे में पूछने आई थी। तो ये यहाँ कौन सा डॉक्टर मिलने आता है? हाँ मैं यहाँ पे इसलिए आई ना क्योंकि इनके पास ना क्लिनिक में छुट्टी थी और ये यही घूम रहे थे, इन्होंने बोला कि यही पूछ, ये डॉक्टर नहीं है, ये वही लड़का है जो रात में आता है। रात में कोई नहीं आया तो मैं गलतफहमी में देखा था अपनी आंखों से। देख लिया ना तूने आंखों से, देख लिया तेरी बीवी क्या कर रही है, क्या समझा, क्यों बोल रहे उसको? हाँ बात कर, समझाओ उसे, समझा, समझाई तो नहीं हूँ, समझा फिर, चलो घर चले। ये क्या कर, नहीं घर भर क्या, ये क्या कर रही थी तुम? मैं देखो मेरी चोट लगी है ना यहाँ पे पेट पे, जो तुमने कल मारा था मेरे, तो वही दिखा रही थी मैं कि देखो पेट पे चोट लगी है, दवाई दे दो मुझे, अब चलो छोड़ो, दवाई लिखवा ली मैंने। देखो गया ना पागल फिर से, क्यों पागल पागल कर रहे थे? रोजा धक्का मत दे, आराम से बात कर ले, बता रहा हूँ ना। सुनो इधर, समझ में नहीं आ रहा, उस पे हाथ मत उठाना ठीक है ना, मैं तंग आ गई तुमसे। बीवी होगी उसकी साइड ले ले, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तंग आ चुकी तुमसे, छोड़ो उसे, समझा दे पागल इंसान को, समझ गया? हाथ मत लगाओ उसे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे कि मैं उससे प्यार करती हूँ? मार दूंगा मैं इसको, सुनो मैं उससे प्यार करती हूँ, जाओ यहाँ से, चले जाओ घर, दिमाग खराब कर रखा है तब से, निकल यहाँ से, हम हमारी बात की बात, अरे समझ में नहीं आ रहा, तुम चले जाओ ना यहाँ से घर, मैं क्यों जाऊँ, ये जाएगा, जा तू यहाँ से, ये क्यों जाएगा, मैं जब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, बात कर रही हूँ ना मैं, कर तो फिर बात कर, तुम चले जाओ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, पागल इंसान। तो मैं सारी प्रॉपर्टी वॉपर्टी अपने चाचा को दे दूंगा। किसको दे दोगे? दे दूंगा मैं सबको, दे दूंगा इधर नाम प्रॉपर्टी, चाचा को दे दूंगा सब, किसको दे दोगे तुम प्रॉपर्टी? चाचा को दे दूंगा मैं अपने सब, तेरे को तो नहीं रहना ना, तू जा। हाँ नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मतलब चाचा चाचा तुम्हारे इतने सगे हो गए, सब कुछ सहा मैंने, सब कुछ झेला मैंने, इतने दिनों है जा, कुछ नहीं देगा ये पागल, घुमा ले, जमा कर ले ले, अब ले रही हूं ना तुम्हें, तुम क्यों इतना दिमाग खा रहे हो मेरा, मैं दे दूंगा सब, चाचा को दे दूंगा, क्यों दे दोगे, किसने सहा सब कुछ, किसने झेला तुम्हारा इतना सारा लफड़ा टाइम है मेरे साथ, क्या नहीं रहना मुझे, हां मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं दोगे तुम प्रॉपर्टी मेरे को? नहीं मैं अपने चाचा को ही दोगे, चाचा को दे दूंगा, लास्ट बार बोल रहे हो ना तुम, है तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, समझ में नहीं आ रही, हां क्या ड्रामा है ये, क्या ड्रामा है, हां नहीं समझ में आ रही तुम्हारे, हम सिर्फ कह रहा हूं ना सर, दिमाग चला हुआ है पागल, इसलिए नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। इसको क्यों मार रहा है, इसको क्यों मार रहा है तू, ये क्या हरकतें कर रहा है, क्यों मार रहा है तू, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या कर रहा है, हैं चोट तो कहीं नहीं लगी, चोटे पागल हो जा, बड़के भरने भाग रहा है हमने, अरे तू शर्म नहीं आ रही है, इस पागल आदमी पर हाथ उठा रहा है, ये कुछ भी करे, कुछ भी करेगा, फिर ये बीबी है, कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब क्या बदतमीजी कर रही है, हाथ लगा, कुछ भी करूं मैं, क्या बदतमीजी कर रही है, कुछ भी करूं, अच्छा एक बात बता पागल इंसान, अच्छा एक बात बता, इसको घर में कहूं क्यों बुलाती है रात में तू, दोस्त है मेरा, दोस्त है, इसको पता है ये बात, इसके समझ में आती है कुछ जब मैं इसको बताऊं, अच्छा इसको समझा, इसकी प्रॉपर्टी लेने के पीछे तू पड़ी हुई है, ठीक है तो देगा नहीं, सारी प्रॉपर्टी लेने के पीछे पड़ी हुई है, बीवी होती किस लिए है, प्रॉपर्टी किसको देगा, दान करेगा क्या, बीवी को देगा ना, तेरी जैसी बीवी हो ना तो उससे बढ़िया दान कर दो, अच्छा हाँ तो दुनिया ही दान करती फिरेगी अपनी प्रॉपर्टी सबको, ठीक है भाई, तेरी जैसी बीवी हाँ। है जो कि ये पति के होने के बावजूद भी किसी और पागल पति यही मेरे को बुलाती है घर पे, ठीक है मेरा पति पागल, उससे कुछ नहीं होता, तू आ जा, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना कोई मेरे साथ, इतना बोल रहे तुम, क्या तुम्हें नहीं रहना ना, आए थे ना तेरे पास, तुम्हें रहना नहीं है, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, जब मैं उससे प्रॉपर्टी ले रही थी तुम भी कहते ना मांगने, उसमें बात बता क्या कहा था, ये बात सारी बात बता, पूरी बात क्या है, पूरी बात बता, ये कह रही थी कि मेरा पति से कुछ नहीं होता, ठीक है मैं उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, प्रॉपर्टी नाम करेंगे और शादी करेंगे, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं करनी शादी वादी ना, मेरे को उसके साथ रहना, फिर जबरदस्ती करने लग गए मेरे साथ कि तू नहीं रहेगा ना, तेरे कंप्लेन कर दूंगी, तूने मेरे साथ ये सब कराया, जबरदस्ती कराया, ऐसा कुछ भी नहीं है, डेली खुद ही बुलाती है, मतलब तुम आए इनके पीछे पीठ पीछे, अब मैं ही बुरी बन गई, क्या बुरी बन गई, मैं बुरी बन गई, जब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था तुम क्यों आए थे, तुम नहीं आते थे, तुमने नहीं बोला था कि तुम्हारा पति पागल है, नहीं पता चलेगा, जबरदस्ती करा मैंने तेरे साथ, जबरदस्ती करा था, मर्जी थी ना तेरी, तो एक काम करो तुम भी जाओ यहाँ से जाओ, ठीक है देख लिया मैंने, जब लोगों को कुछ पता चलता है ना वैसे ही अच्छे अच्छे बन जाते हो, और इतने दिन तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, मैं शादी करूंगा, किस लिए कर रहे थे कि तुम्हें भी प्रॉपर्टी चाहिए होगी ना इसीलिए, हाँ तो जाओ यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, तुम दोनों अपने प्यार के चक्कर में इस बंदी की एकदम बिल्कुल ही इज्जत छोड़ दी है,
मैं क्यों रहूं? मैं तंग आ चुकी हूँ इस इंसान से, पागल इंसान से। अरे मारा क्यों इसको है? बुड़का बनने भाग रहा था मेरे। हा? तो क्यों मारेगा नहीं, इसकी बीवी के साथ ये सब करेगा तो पागल इंसान। कौन सी औरत है भाई है? तू कौन सी औरत है के बावजूद भी ये सब कर रही है? तू क्यों मार रहा है मुझे? आया बड़ा, बिल्कुल शर्म नहीं आई है इसके प्रॉपर्टी। सोने तुम क्यों आए हो? वो मेरा पति है ना, मैं कुछ भी करूं। किसी को मत दियो ठीक है, हैं? अपनी प्रॉपर्टी किसी को मत दियो। देगा कैसे? कैसे नहीं देगा? मैं लूंगी, मैं लूंगी। सब चाचा को दे देगा अपने प्रॉपर्टी। हां दे दे, कैसे कैसे दे देगा? बीवी हूं मैं उसकी। इधर आ जा, इधर जा। जैसे देते हैं ना वैसे ही प्रॉपर्टी देगा अब ठीक है। और मैं भी देख लूंगी आज के बाद से ना, इसके आगे पीछे आना बंद। मैं आऊंगा, इनमें तो मना कर दिया। तुम जा दफा हो ना यहां से, जा दफा हो, जा जा। जब प्रॉपर्टी आएगी ना मेरे नाम पे तब दिख मत जाइयो ठीक है ना। तुझे क्या लग रहा है ये प्रॉपर्टी दे देगा तुझे? क्यों नहीं देगा? बीवी हूं उसकी, बीवी है, डंके की चोट पे लूंगी मैं। अच्छा, पागल इंसान से शादी भी करूं और प्रॉपर्टी भी ना मिले मुझे? हैं ले लिए ले लिए। मतलब क्या सुख मिला फिर मुझे? नहीं, जब किसी और के साथ सोती थी हैं तब नहीं सोची कि पति है मेरा ये सब गलत है। क्या सोती थी? उससे कुछ होता है? उसके बस की कुछ है? उसके बस की है कुछ? सुन ले, पागलपन से तो फुर्सत नहीं मिलती। बेड पे तो इतने सारे खिलौने लेके बैठा रहता है, खेलती रहूं क्या उसके संग बैठ के? खेलती रहूं खिलौनों से, टेडी बेयर से, गुड्डे गुड़िया से खेलती रहूं? इसलिए शादी करी थी मैंने तो, जो चीज़ मुझे जहाँ से चाहिए थी मैं ले रही थी। अब मुझे प्रॉपर्टी इससे चाहिए, मैं लूंगी, लेके डिवोर्स दे दूंगी। दफा हो जा, मुझे भी नहीं रहना इस पागल के साथ। हाँ भाई क्या कर रहे हैं? हाँ तो मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ, मुझे भी रहने में शौक नहीं है। डिवोर्स दूंगी मैं तुझे, पर प्रॉपर्टी लूंगी। प्रॉपर्टी लेगी इसकी? लू क्या, क्यों नहीं लूंगी? बीवी हूँ तो नहीं मिलेगा क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं देगा तुझे अभी। ओ तुम्हारे कहने से, कोर्ट तुम्हारे कहने से नहीं चलती ना। कर ले केस तू। हाँ मैं केस ही करूंगी। सामने लगा रखा वीडियो और तेरी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है भाई इसके साथ। क्या कैमरा वैमरा लगा रखा है भाई तूने यार? इसको बस अपने साथ रखी थी ताकि कुछ दिनों में इसकी प्रॉपर्टी सारी मैं हड़प। क्या करा रहे अपनी बीवी के खिलाफ? ओए तेरी जैसी बीवी नहीं होती, तेरी जैसी बीवी नहीं होती जो एक पागल इंसान की सेवा ना करके। ठीक है, हम आपस की बात है, आपस में कर लेंगे ठीक है। वो कैमरा वैमरा बंद कर लो, बात कर लो। यहां क्यों करूं कैमरे के सामने? मैं घर ले जाके बात कर लूंगी। बात कर ले, कैमरा बंद कर। देखो बाबू, देखो वो कैमरे में तुमने जो रिकॉर्ड कराया ना, इधर सुनो, देखो सुनो। अरे वही तो मैं सुन लो, मेरी बात सुन लो। देखो अरे यार, इस पागल से तो बात करना बेकार है, वो बंद करा दो ना। नहीं, इसकी प्रॉपर्टी तेरे लिए ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी लेनी हो तो ये बहुत बढ़िया है, पति है। नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, वो बंद करो, जो रिकॉर्डिंग करी है बंद करो। तो उसके नोक पे ले रही थी ना, कोर्ट में जाके केस करेगी। मैं इनको घर ले जा रही हूँ ठीक है, इनकी दवाई का टाइम हो रहा है, वो बंद करो। कोई घर गुर नहीं लेके जाएगी तू ठीक है, कोई दवाई दू नहीं होगा। भाई साहब आप लोग अपना आंखों से देखो कि ये क्या हरकतें कर रही है, किस तरह इस बेचारे को परेशान कर रही है। तुमको मेरे साथ घर नहीं जाना? मारा मुझे, अपना बड़ी जल्दी दिखाई देता है, चलो घर चलो। अरे ऐसे लोगों से बात नहीं करते। तुम अपने चाचा को फोन करो, चाचा को बुलाओ यहाँ पे ठीक है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाओ तो भाग जा। मैं क्यों जाऊँ? चाचा को बुलाओ अपने, फोन करो, नंबर याद है? अरे ओए हाथ मत लगा, इसको हाथ मत लगा, अपने चाचा को बुलाओ यहाँ पे। मैं जा रही हूँ, फिर मैं आऊंगी नहीं। भाई इसके चाचा को बुलाते हैं ठीक है, और उसके बाद से इसके हवाले नहीं छोड़ूंगा। इसका चाचा आएगा, वो इसको लेके जाएगा। अरे तो वीडियो की रिकॉर्ड कर रहे हो, नॉर्मल बात भी तो कर सकते हो।